नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रूट्स. ऑलरेडी प्लासेंटेशन तक हम लोगों का डिस्कशन हो गया है, तो फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस आर द राइपेंड ओवरी विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन पहले होगा, उसके बाद जो होगा दैट इज राइपेंड ओवरी विल फॉर्म्ड इन टू वॉट फ्रूट. अब कभी कभी फर्टिलाइजेशन से पहले फ्रूट हो जाता है या फिर फर्टिलाइजेशन का ज़रूरत नहीं होता है. सो फ्रूट्स दैट आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड वॉट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ओके, सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फिर से एक बार दोहराते हैं. मेल एंड फीमेल सेल का यूनियन को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन. तो जब मेल एंड फीमेल का यूनियन नहीं होता है तब भी फ्रूट्स हो जाते हैं. ओके, सो दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड व्हाट? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. ठीक है, अभी फ्रूट्स का जनरल स्टडी करते हैं, जिसका बाहरी हिस्सा जो है, वॉल जो है, उसका नाम क्या है? पेरिकार्प. एंड द सीड्स, अंदर है सीड्स. ओके, पेरिकार्प ड्राई भी हो सकता है, फ्लेशी भी हो सकता है, सॉफ्ट जैसा. ओके, और उसमें तीन पार्ट्स हो सकते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. ये सब पेरिकार्प का ही हिस्सा है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. थोड़ा सा मोटा और फ्लेशी होगा तो तीन रीजन में इसको बांट सकते हैं. एपिकार्प बाहरी हिस्सा, मिडल वाला मेसोकार्प एंड अंदर का हिस्सा क्या है? एंडोकार्प. ठीक है, तो फ्रूट्स का आउटर हिस्से को क्या बोलते हैं? छिलके को, ओवल और पेरिकार्प. ठीक है, कभी कभी वो मोटा और थोड़ा सा थिक, मतलब फ्लेशी होता है, तो उसको तीन रीजन्स में हम लोग देख सकते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. ओके, कोकोनट में एंड मैंगो में फ्रूट को क्या बोला जाता है? ड्रू. और देयर इज ओनली वन सीड. ठीक है, और मैंगो में क्या होगा? पेरिकार्प जो है, बाहरी हिस्सा जो है इसका थिन है, मिडिल का हिस्सा जो खाते हैं दैट इज मेसोकार्प, और अंदर का हिस्सा जो गुठली जिसका है वो थोड़ा सा हार्ड है, दैट इज द एंडोकार्प. ओके, कोकोनट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ड्रूप, जिसमें मेसोकार्प क्या है? वो फाइब्रस है. मेसोकार्प जो खाते हैं ना, वो फाइब्रस है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सीड्स. सो एज यू कैन सी हियर, सीड्स दे आर डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स. अब ओव्यूल्स कहाँ पर है? ओवरी में. हम लोगों ने जब फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया था, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, तो वहाँ पर क्या देखा था? दैट सीड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओव्यूल्स. सीड का बाहरी समय क्या है? प्रोटेक्शन सीड कोट. और अंदर क्या देखा जा सकता है? एम्ब्रियो. ठीक है, जब सीड को पानी में भिगोते हो, रात भर पानी में भिगो कर रखो, तो सॉफ्ट हो जाता है. और एक दो दिन के बाद हम लोग छोटे छोटे सीडलिंग्स देख सकते हैं, छोटे छोटे पौधे निकलते हुए देख सकते हैं सीड से, है ना. तो नीचे की तरफ जो जाएगा दैट इज रेडिकल विच ग्रोस टू रूट, और उसके साथ साथ कॉटिलेडन्स, जैसे चना और मटर का हम लोग दो कॉटिलेडन्स देख सकते हैं, और वीट, गेहूं और मकई का हम लोग एक कॉटिलेडन देख सकते हैं. सो ऐसे डाइकॉटिलेडनस सीड एंड मोनोकॉटिलेडनस सीड बोल के बोला जाएगा. अभी जो हम लोग टेक्स्ट बुक से देखने का कोशिश करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द मोनोकॉट एंड द डाइकॉट सीड. सी, डाइकॉटिलेडनस सीड में कितना होगा सीड, मतलब कॉटिलेडन्स? दो कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है, डाइकॉटिलेडन्स में. तो उसका सीड कोट भी है, बाहरी सा जो है सीड कोट, उसमें दो लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर इज टेस्टा, इनर लेयर इज स्टेगमेन. अब अच्छी तरीके से अगर सीड कोट को हम लोग एक मतलब दाने को अगर अच्छी तरीके से देखेंगे, उसमें ब्लैक स्पॉट होता है, दिस इज कॉल्ड द हाइलम, और एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसका नाम है माइक्रोबाइल. अभी ना इसका डायग्राम देखने का कोशिश करते हैं. ये है एक जो सीड बोला जाता है जिसको, ये हाइलम और माइक्रोबाइल, ये सीड कोट है. पानी में भिगोने के बाद जब खुलेगा ना, तब छोटा सा एक हिस्सा दिखता है ना पौधे का. सो सर द टू कॉटिलेडन्स, ये जो दो ब्लैक कलर का सीड कोट से कवर किया हुआ, ये दो कॉटिलेडन है. ऊपर की तरफ जाता हुआ पौधा जो प्लियोम्यूल, एंड नीचे की तरफ जाएगा जो रेडिकल. ओके, सो दिस आर द स्ट्रक्चर्स दैट वी कैन सी फॉर द डाइकॉटिलेडनस सीड, जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं, जैसे बीन, ग्राम पी, चना, मटर, ये सब बीन्स में ये सब जो दाने हैं उनमें दो कॉटिलेडन्स देखा जाता है.
अभी मोनोकॉटिलेडन्स का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखो मकई का दाना है, ये मेज जिसको बोला जाता है, ये एंडोस्पर्म है और ये एम्ब्रायो है, ठीक है। अब इसको अंदर से अगर देखने का कोशिश करेंगे इनर स्ट्रक्चर्स, तो ये देखो नीचे की तरफ है कोलियोराइजा, ये रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है, और ये कोलियोप्टाइल ये प्ल्यूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है, ऊपर की तरफ ये ऐसा है, हाँ मोनोकॉट में, लेकिन डायकॉट्स में नहीं होता। नीचे का हिस्सा ये वाला, इसको स्कूटेलम बोला जाता है, और ऊपर जो खाना स्टोर करके रखता है दैट इज एंडोस्पर्म। अब यहाँ पर देखो एक कोटिंग दिखाई दे रहा है ना, सीड कोट, और उसके अंदर एक प्रोटीन लेयर विच इज कॉल्ड द एलियोरॉन लेयर, ओके। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज फॉर अ सिंगल कॉटिलेडन सीड, दैट इज फॉर द मेज सीड। मेज का सीड को बीच में से काटने से अंदर की तरफ ऐसा दिखेगा, दिस इज प्रोटीन लेयर, ये कोट है बाहरी से प्रोटेक्शन के लिए, एंडोस्पर्म फूड स्टोर करता है, ये स्कूटेलम और ये कोलियोराइजा, ये कोलियोप्टाइल प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल टू प्रोटेक्ट करने वाले हैं। अभी जो एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का, जिसमें आप लोगों को फ्लोरल फॉर्मूलाज एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर्स को याद रखना है, जिसमें जैसे कि देखिए इधर बी आर स्टैंड फॉर ब्रैक्टियट, के स्टैंड फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियंथ, ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनोशियम, ऐसा कुछ टर्म्स है, कुछ साइंस है, सिंबल्स है। जी के नीचे लाइन लगा देने से होगा सुपीरियर ओवरी, ऊपर लगा देने से इन्फीरियर ओवरी होता है, दिस स्टैंड्स फॉर मेल, दिस स्टैंड्स फॉर फीमेल, ये दोनों देने से बाइसेक्सुअल, ऐसा साइन देने से एक्टिनोफोर्फी, ये सब आप लोगों को साइंस जो है ना थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा करना है। और मैं एक फ्लोरल डिस्क्रिप्शन दिखा रही हूँ, अभी टेक्स्ट बुक से ही दिखा रही हूँ, तो आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा कि क्या है ये टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। देखो ये फैमिली फैबेसी का है, ठीक है, लेग्यूमिनेसी, दिस वॉज अर्लियर कॉल्ड पैपिलियोनॉइडी फैमिली, सब फैमिली लेग्यूमिनेसी का फैमिली का जो, इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखा जाएगा फैबेसी फैमिली का, ओके, ट्री श्रब रूट रूट विद रूट नोड्यूल्स देखा जाता है फैबेसी में। स्टेम कैसा है, सीधा है या क्लाइम करता है, ये लिखना पड़ेगा। फिर लीव्स कैसा है पौधे का, अगर मटर के पौधे को चेक करने का कोशिश करेंगे तो ऑल्टरनेट है, पिनेटली कंपाउंड लीव्स है, लीव्स कैसा है, पाल्विनेट है, स्टिप्यूलेट है, वेनेशन रेटिक्यूलेट है, देखो इस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो फ्लोरल कैरेक्टर्स है वो कैसा है, जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस इज रेसिमोस, हम लोगों ने दो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कस किया है, रेसिमोस एंड सायमोस। फिर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है, फिर कार्पल्स कैलिक्स कितना है, कोरोला कितना है, पॉलीपेटरस है, सब टर्म्स के हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। और ये है फ्लोरल फॉर्मूला, बाइसेक्सुअल है, के कितना है, कैलिक्स 5, कोरोला कितना 1+2+2, एंड्रोशियम 9 फ्यूज्ड 1 फ्री, ऐसे लिखा जाता है। फिर गाइनोशियम 1, नीचे की तरफ लाइन है तो इन्फीरियर ओवरी, ऐसे बोल के जो फॉर्मूला के हिसाब से दिया जाता है दैट इज कॉल्ड द फ्लोरल फॉर्मूला। तो इसमें चैप्टर में आप लोग फैबेसी, सोलानेसी, लिलियसी, ये सब फ्लावर का मतलब प्लांट्स का जो फैमिली का फ्लावर फ्लोरल फार्मूलाज विद ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ से सब कुछ अच्छी तरीके से याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फैबेसी में क्या हुआ, सोलानेसी लिलियसी में, डिटेल स्टडी ऑफ दिस फ्लोरल डायग्राम्स, फ्लोरल फार्मूला एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फ्लावर आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट लिलियसी फैमिली के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, दिस इज कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली, लिली फ्लावर जिसमें होता है, एंड दिस इज अ मोनोकॉटिलेडनस प्लांट। वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या है, दिस आर हर्ब्स, मतलब कैसा प्लांट है, हर्ब्स है। और लीव्स कैसा दिखेगा, बेसल ऑल्टरनेट होगा, ये पैरेलल वेनेशन, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट है तो पैरेलल वेनेशन होता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, सॉलिटरी, मतलब एक ही फ्लावर होगा, इसमें गुच्छे जैसा नहीं होगा, ठीक है। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल पार्ट्स हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, दो टाइप्स मैंने डिस्कस किया था, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है।
Perianth, tepal is 6, 3 plus 3, often united into tube and valvate aestivation. Aestivation bhi maine dikhaya tha, ki aestivation, arrangement of the petals in the flower, kaisa hai. Or androecium, stamen 6, 6 stamens hai, matlab male part, 3 plus 3 and epipetalous. गाइनोशियम में स्ट्राइक कार्पलरी 3 है, कार्पल्स ससिन कार्पस मतलब एक साथ है, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है. फ्रूट इज कैप्सूल, सीड इज एंडोस्पर्मा. सब फ्लोरल फॉर्मूला देखो, बाइसेक्सुअल है. फिर पेरियंथ टेपल 3 प्लस 3, एंड्रोशियम 3 प्लस 3, गाइनोशियम 3, ब्रैकेट में क्यों दिया है, फ्यूज्ड है इसलिए. ओके, सो दिस आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, प्लांट सजाने के लिए. लिली फ्लावर आप लोगों को मालूम ही है, तो ये सजाने के लिए होते, जैसे ट्यूलिप, जैसे ग्लोरियोसा, मेडिसिन के लिए भी यूज़ कर सकते, जैसे एलोवेरा, एस्पैरागस. ओके, तो ऐसा मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, उसमें से एक इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, पेरियंथ कैसे कैसे हैं, इसको बाय हार्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा.